हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज चुनाव 2020 के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आखिरी चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। वहीं मतगणना 8 को होगी, लेकिन मतगणना से पहले कांग्रेस ने बाड़मेर में अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के कार्यालय में विधायक मेवाराम जैन बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति की जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के अपने प्रत्याशियों को कार्यालय में बुलाकर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। हालांकि विधायक मेवाराम जैन का बाड़ेबंदी की बात से साफ तौर पर इनकार है। उनका कहना है कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है, सभी प्रत्याशियों से बुलाकर उनके फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ ही विधायक मेवाराम जैन ने दावा किया है कि पूरे राजस्थान में बाड़मेर विधानसभा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी और बाड़मेर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी पंचायती राज चुनाव या नगर परिषद चुनाव होता है, चुनाव के बाद कांग्रेस या बीजेपी दोनों प्रत्याशियों को लेकर बाड़ेबंदी में चली जाती है। बाड़मेर विधानसभा की दोनों पंचायत समिति के उम्मीदवारों को कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने अपने ऑफिस में बुला दिया है। कहने को तो ये कहा जाता है कि 8 तारीख की गणना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि कांग्रेस ने इन सभी की बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इन पंचायत समितियों में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। इसी तरह बीजेपी ने भी बाड़मेर में अपनी सभी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। भाजपा पार्टी के कमान प्रियंका चौधरी अपने निवास सभी उम्मीदवारों की बैठक ली, जानकारी लेकर वाहनों में बैठकर रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से बाहर निजी वाहनों ले गए 7 नेता नजर आए। उन नेताओं की नजर रहेगी, 8 दिसंबर को कॉलेज आएंगे, अपना मतगणना करने बाद पार्टी परिणामों देखकर अपनी बात रखेगी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।